नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपको पुष्कर मेले के बारे में बताएंगे। पुष्कर मेला जो 1 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा, उसके बारे में जो अपडेट्स है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पुष्कर मेला क्यों प्रसिद्ध है, दूसरा कैसे आप पुष्कर मेले में जा सकते हैं, और तीसरा पुष्कर मेले के पीछे का इतिहास क्या है। किसान साथियों, पुष्कर मेला 2 वजह से विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण है कि पुष्कर जो मंदिर है वो ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है जहां पे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और दूसरा, पुष्कर मेले में ऊंटों का मेला लगता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ये मेला स्टार्ट होता है और 9 दिन चलता है। इस बार का जो पुष्कर मेला शुरू हुआ है वो 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक का है। आप पुष्कर मेले में जा सकते हैं, वहां जाके ऊंटों के विशिष्ट जो कार्यक्रम है वो देख सकते हैं। पुष्कर मेले में ऊंट बिक्री के लिए आते हैं, यहाँ पे ऊंटों के साथ साथ घोड़े और अन्य पशु भी लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जहाँ पे ऊंटों के कार्यक्रम चलते हैं और ऊंट यहाँ बिक्री के लिए आते हैं। यहाँ पे अगर आमतौर पर अगर माना जाए तो लगभग 5 लाख से ज्यादा संख्या के पशुपालक और पशु यहाँ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं इस मेले का इतना महत्व है कि विदेशों से पर्यटक स्पेशल पुष्कर मेले को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आप जब वहां जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि विदेशी पर्यटकों का यहाँ पे काफी जमघट वहां बना रहता है। ये था पुष्कर मेला क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद किसान साथियों, अगर आपको पुष्कर मेले में जाना है तो आप पुष्कर वाया अजमेर जा सकते हैं, क्योंकि अजमेर तक दिल्ली से और अन्य राज्यों से ट्रेन का काफी ज्यादा आवागमन रहता है। वहां पे काफी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी और अजमेर से पुष्कर सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर दूर है बस। वहां पे आप आराम से ट्रेन के बाद कोई टैक्सी या फिर वहां पे एक लोकल ऑटो के जरिए भी पुष्कर मेले में पहुंच सकते हैं। ये मेला साल में एक बार लगता है। किसान साथियों, इस मेले में जाकर के आप जो रंगीला राजस्थान है उसकी मिट्टी खुशबू आप जान सकते हैं, उसके कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ऊंटों की जो वैरायटी है, जो किस्में हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, काफी यादगार हो सकता है। तो इस मेले में समय पर जरूर पहुंचिएगा। F2DF की टीम भी वहां जाएगी और वहां जाके आपको उनकी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस के बारे में अवगत कराती रहेगी, आप तक जानकारी पहुंचाएगी अगर आप नहीं जा सकते। लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे, जाके जरूर देखिएगा, ये लम्हा आपके लिए काफी यादगार हो सकता है। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम ऐसे बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।